दिल्ली में 25 फरवरी को 2022 को भारतीय मजदूर संघ जयपुर की सड़कों पर एक विशाल प्रदर्शन करेगा, जिसमें राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के जो है लगभग 40,000 हमारी बहनें भाग लेगी, जिसमें अजमेर जिले से भी 3,000 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल थी। दादीज वाटिका में राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का प्रदेश अधिवेशन। अधिवेशन में 25 फरवरी 2022 को राजधानी में होने वाले विशाल आंदोलन को लेकर बनाई रणनीति। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ व भारतीय मजदूर संघ का प्रादेशिक वार्षिक अधिवेशन 25 दिसंबर शनिवार को दादीज वाटिका अजमेर में आयोजित किया गया। बीएमएस के प्रदेश प्रभारी भोलानाथ आचार्य ने बताया कि अधिवेशन में पूरे राजस्थान से कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 5-7 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। अधिवेशन में 33 जिलों से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई हैं। कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना के साथ अधिवेशन आयोजित किया गया है। अधिवेशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार राज्य कर्मचारी घोषित करे। जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते, तब तक इनको 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए और सेवानिवृत्ति के बाद 5,00,000 रुपये ग्रेच्युटी देते हुए 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान भी किया जाए। साथ ही आगामी 25 फरवरी 2022 को भारतीय मजदूर संघ प्रदेश की राजधानी जयपुर में 50,000 कार्यकर्ताओं को लेकर राजस्थान सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के तहत एक आंदोलन करने जा रहा है, जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि अजमेर से आंगनबाड़ी की 3,000 कार्यकर्ता जयपुर आंदोलन और रैली में शामिल होंगी। अधिवेशन में राजस्थान प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजबिहारी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी, केंद्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की कोषाध्यक्ष बहन बाड़े, असंगठित क्षेत्र प्रभारी दीनानाथ, महिला प्रतिनिधि बहन मनीषा आदि मौजूद रहे। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ एवं राजस्थान भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर का संयुक्त अधिवेशन आज दादीज वाटिका में संपन्न हुआ है, जिसमें राजस्थान के 33 जिलों से हमारी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने भाग लिया है। कोरोना का मद्देनजर रखते हुए हमने प्रत्येक जिले से 5-5, 7-7 बहनों को बुलाया है और इस अधिवेशन में जो है हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं और जिला एवं प्रदेश की कार्यकारिणी भी घोषित की गई है। और जो प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित किया है उसमें यह है कि हमें आंगनबाड़ी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर जब तक दर्जा नहीं दिया जाता तब तक इनका मानदेय जो है 18,000 रुपये प्रतिमा किया जाए, साथ ही में सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेचुएटी राशि 5,00,000 इन्हें दी जाए और 5,000 रुपये प्रतिमा पेंशन का भी इनको दिलाई जाए। और साथ ही में 25 फरवरी 2022 को भारतीय मजदूर संघ जयपुर की सड़कों पर एक विशाल प्रदर्शन करेगा, जिसमें राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के जो है लगभग 40,000 हमारी बहनें भाग लेगी, जिसमें अजमेर जिले से भी 3,000 महिलाएं उस कार्यक्रम में शामिल होगी। आज कौन को रेस करेगा? आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव जी देवनानी, राजस्थान भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजबिहारी जी शर्मा, केंद्रीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की कोषाध्यक्ष बहन वाडे जी और साथ ही में असंगठित क्षेत्र के प्रभारी दीनानाथ जी, भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी डाबी और महिला प्रतिनिधित्व के रूप में बहन मनीषा जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी।